राशिद साहब, हम देख रहे हैं सिंध हुकूमत ने साइकिल स्क्वाड नया मुतारिफ कराया, कितना फ़ायदा होता है इससे और ट्रैफिक खुलवाने में कितनी मदद मिलती है? जी देखें, ये साइकिल स्क्वाड नया चॉइस किया गया हमारे DIG साहब इकबाल दारा साहब ने। जैसे ये मार्केट एरिया है, कंजेस्टेड एरिया है, दोनों तरफ मार्केट एरिया हैं, तो ये सदर में और काफ़ी इलाके जगह में भी अलर्ट किया गया है। तो ये देखें आप, मार्केट का एरिया है, आमने सामने मार्केट होती है, तो डबल पार्किंग लग जाती है, तो उसी हिसाब से फोर व्हीलर हमारे पास गाड़ी है, टू व्हीलर है, तो एट अ टाइम वहाँ पर पहुँच नहीं सकती, तो या कहीं भी रोड जाम हो जाता है तो ये साइकिल के जरिए या फुटपाथ के जरिए जाके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं, डबल हटाते रहते हैं, या अगर कोई नहीं भी हटता तो हम उसको बाकी ताकि के अपने अफसर जो पेट्रोलिंग करता रहता है हम उसको बुला के चालान करवाते हैं और मुक करवाते हैं। हम देखते हैं इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा, सदर के इलाके में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है, तो इससे क्या आसानी हो गई है ट्रैफिक पुलिस को भी और इदारों को भी? जी देखें, ये स्क्वाड चॉइस तो किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी काम कर रहे हैं, पहले से तकरीबन 40% बेहतरी आई है, इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे, इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी। अच्छा, आपके स्क्वाड में कितने लोग शामिल हैं और किन किन एरियाज को कवर किया गया है? जी हमारे साउथ में पांच जवान हैं और ईस्ट में पांच हैं, सेंट्रल में पांच हैं और सिटी में पांच हैं, ओनली 20 अफराद हैं। और ये कितने एरियाज को कवर किया गया है इसमें? ये तकरीबन ये आप देखें, ये अब्दुल्ला रोड हो गया और पीछे मोबाइल मार्केट हो गया है और तारिक रोड हो गया है और अपना लकी मॉल।